रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने अपनी कहानी पेश की और उस पर साहबान ने तबसरा भी किया। आइए हम दूसरी तकलीफ की तरफ बढ़ें। आज के हमारे दूसरे कलमकार की हैसियत से हमारे अदारे के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी पेश करें। सदर मजलिस और शुरकाए नशीस, लॉकडाउन का एक तवील अरसा गुज़र गया, हम नशिस्तें नहीं कर सके। बीच में कई बार तकाजे भी आए, ये प्रोपोज़ल भी आया, ये तजवीज़ भी आई कि ऑनलाइन कर ली जाए नशिस्त, लेकिन हम लोग नहीं कर सके। बहरहाल अब हमने आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह बाकायदगी से गुज़िश्ता की तरह हमारी नशिस्तें जारी रहेंगी। ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने अपने तौर पर उस लॉकडाउन को देखने की कोशिश की है, एक कहानी उसी को बुनियाद बनाकर लॉकडाउन को। उन्वान है दादाजी का संदूक। दादाजी का संदूक। अचानक बैठक में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो गया। अफ़ान एक रसाला लेकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी खामोशी में उसकी हिज्जे लगाती हुई रुक रुक कर पढ़ने वाली आवाज़ गूंजी। वो बोला, गोरखपुरी। जैसे ही उसकी आवाज़ ख़त्म हुई, वहाँ एक ज़ोरदार कहकहा पड़ा था। सब के सब खिलखिला कर हंस पड़े। दादा भी हंसे, लेकिन फिर जल्द ही वो खामोश भी हो गए। कुछ देर बाद जब सब खामोश हुए तो उनकी खिसियानी सी आवाज़ उभरी। वो बोले, ये है आज की पढ़ाई। मियाँ दूसरे दर्जे में पहुंच गए हैं और गोरखपुरी नहीं पढ़ सकते। दादा के चुप होते ही एक बार फिर सब हंस पड़े, लेकिन दादा किसी और सोच में थे। इस वाक्य के कोई 2-3 दिन बाद से मुल्क में लॉकडाउन शुरू हो गया था। लॉकडाउन की पहली सुबह थी, सब घर में थे। दादा ने अपना संदूक खोला। आज पहली बार हम बच्चों ने उसे खुला देखा था। हम बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि दादा का संदूक सिर्फ ख़ास ख़ास मौक़ों पर ही खुलता है। जैसे वो ईद और बकरीद से एक दिन पहले खुलता है, घर में कहीं किसी चीज़ की मरम्मत करनी हो तब खुलता है। और अगर कभी दादी अम्मा किसी बात पर नाराज़ होती हैं तो खुलता है। लेकिन उस संदूक में क्या है और उसमें से क्या निकलता है वो हमें मालूम नहीं था। दादा उसमें क्या रखते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो दादाजी का संदूक था। पता नहीं और लोगों ने उसे कब खुला देखा होगा। बड़ा सा मोटी टीन का काला संदूक था और तकरीबन पूरा भरा हुआ था। ना जाने क्या क्या उसमें था। दादाजी कुछ ढूंढ रहे थे और फिर बड़ी देर के बाद ताश की एक डिबिया निकाली। उसके बाद संदूक को दोबारा उसी तरह बंद करके बड़ा सा पुराना कुफल डाल दिया गया। उस डिबिया में एक तालीमी ताश था। ये ताश मैंने पहली मर्तबा देखा था। दादाजी बोले, आओ बच्चों, अब बाहर नहीं जाना है तो हम यही खेलते हैं। उसके बाद दादाजी ने हम सब बच्चों को एक साथ एक दायरे की शक्ल में बिठा लिया। ताश को खोला, उसको पलट कर रखा। उस पर अलिफ ता याए हरूफ लिखे हुए थे। दादा ने उसमें से 3 पत्ते अलग किए और उन्हें एक तरतीब में रखा। उसके बाद अदनान से बोले,
हाँ बेटा अदनान, इन हरूफ की हिज्जा करके इन्हें पढ़ो तो ज़रा, देखें क्या लफ्ज बनता है। अदनान फिर धीरे धीरे एक एक हर्फ को जोड़ने लगा और उसके बाद यकायक तकरीबन चीखता हुआ बोला, बाग बनता है। बहुत अच्छे, शाबाश, हाँ बाग बनता है। अब हम इसी तरह अपने हाथ का एक पत्ता लेकर ज़मीन पर पड़े हुए दो पत्तों को मिलाकर तीन हर्फों से बनने वाले लफ्ज बनाएंगे। आखिर में तमाम नंबरात की जमा करेंगे, जिसके नंबरात ज़्यादा होंगे वो जीतेगा। दादाजी ने ताश पर लिखे हुए नंबरात बताए, उन्हें जमा करना बताया और फिर खेल शुरू हो गया। दो तीन रोज तक तो हम सब बैठते, लेकिन ज़्यादातर उमर भैया ही जीत जाते या फिर आलिया बाजी के नंबरात सबसे ज़्यादा होते थे। इस दौरान दादाजी हम सब बच्चों को उकसाते, हमारा हौसला बढ़ाते, इशारे देते और हमारे हाथ का कार्ड देखकर ऐसी बातें बोलते कि उनमें उन हरूफ से बनने वाले तीन हरफी अल्फाज भी शामिल होते और हमको एक इशारा मिल जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि दादाजी की ज़्यादा तवज्जो अदनान पर ही होती थी। वो खेल में सबको ऐसा उलझाते कि किसी को पता ही नहीं चलता। खेल में उलझाने का उनका तरीका भी बहुत फितरी था। वो हम में आपस में मुकाबले की रूह फूंक देते थे। देखते ही देखते खिंचाव किसी कैफियत पैदा हो जाती थी और फिर सब में एक जोश उभरता और खेल दिलचस्प से दिलचस्प होता जाता। एक डेढ़ हफ्ता तो इसी तरह तीन हर्फी लफ्ज बनाने का खेल होता रहा। फिर दादा ने चार हर्फी और फिर कुछ दिनों बाद पांच और फिर सात हर्फी लफ्ज बनाने की शर्त रख दी। खेल में आपसी खिंचाव और टेंशन की वजह से हमें खुद इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। सुबह से ही हम सारे बच्चे बैठक में जमा हो जाते। हमारे साथ चाचा अब्बू और ताया अब्बू भी हमारे खेल में शामिल हो जाते। वो कभी तो किसी के बाजू से बैठकर उसे इशारे देते या कभी वो खुद खेल में शामिल हो जाते। जब वो किसी को इशारे देते तो अक्सर हम इस पर अपना एतराज़ जताते और नाराज़ होते थे। ये सब कुछ चलता रहा। किसी को नहीं समझा कि दादाजी खुसूसियत के साथ अदनान में दिलचस्पी लेते हैं। उसके हरूफ और अल्फाज पर नज़र रखते थे। जब वो कोई लफ्ज़ बना लेता तो उसको शाबाशी देते और उसे तकलीफ़ में देखकर ऐसे हौसला अफजाई करते और ऐसे इशारे देते कि कोई समझ ही नहीं पाता और उसका लफ्ज़ बन जाता। इस खेल के दौरान उन्होंने नंबरात की जमा, तकसीम और ज़र्ब के ऐसे गुर असबर करवाए कि हम सब का हिसाब बहुत मजबूत हो गया। दादाजी ये हिसाबी अमल हमसे इस तरह करवाते कि सब की तवज्जो हरूफ और अल्फाज पर होती थी और नंबरात की ज़र्ब, जमा, तफरीक और तकसीम भी होती जाती थी। यानी हिसाब का अमल होता और बसत शौक और रगबत होता था। नतीजा ये हुआ कि हम सब हिसाबी अमल ज़बानी करने लगे थे और कई हज़ार तक के आदात का हिसाब हम ज़बानी करने लगे। अदनान जो गोरखपुरी को गोरखपुरी पढ़ता था, अब कोई भी रिसाला और अखबार फर पर पढ़ कर सुनाता है और बहुत मुश्किल अल्फाज के न सिर्फ मानी बता देता है बल्कि उसमें शामिल हरूफ के नंबरात की कुल जमा भी बता सकता है। लॉकडाउन ने किसे क्या दिया और किससे क्या लिया ये तो मैं नहीं जानता और ना ही इसके मुतालिक मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें बहुत कुछ दे गया वारे दादाजी का संदूक। दादाजी का संदूक, इस उन्वान से अपनी कहानी पेश कर रहे थे मोहतरम डॉक्टर इकबाल वर्गी साहब। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त है, और मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि अगर यहाँ आकर तबसरा करें तो आपके तबसरे से पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा मुल्क इस्तेफादा करे। वर्गी सर की कहानी तालीमी इनकलाब जो रिसाला आ रहा है अभी हफ्तावारी, उसमें छपने जैसी है। अच्छी कहानी है, मालूम आती भी है। एक मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ पहले, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊँगा बातों बातों में, है ना। उसमें ना एक काम का नुक्ता है जो आम तौर पर लोगों के जहन नशीन नहीं है। वो क्या है मालूम है कि हम जब मुतालिया करते हैं तो हम अपने तौर पर उसको समझ लेते हैं,
और आप गलत शरत लगा के कैसे भी वो लफ्ज बना लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि चार लोगों के बीच में जब तक उठेंगे बैठेंगे नहीं, इल्म मजलिस जिसको कहते हैं, उस वक्त तक हमारी जबान दुरुस्त नहीं होती। लाशौरी तौर पर वो तालीम इसके अंदर मौजूद है। ऐसी और भी खूबियाँ उस कहानी में हैं। मैं डॉक्टर सर को मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, मौके पे याद नहीं आती हैं, बाद में याद आती हैं। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब की कहानी दादाजी का संदूक। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी, यानी मेरा ये कहना है कि कहानी अगर लॉकडाउन के दौरान में शाये हो जाती या किसी तरीके से अगर आवाम तक पहुँच जाती, तो इस कहानी के अंदर सर ने जो मैसेज पेश किया है, तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारा वक्त जो ज़ियाए वक्त हुआ है, उसकी बजाय जो है तो वो कीमती वक्त बच्चों की तरबियत में बाकायदा तौर पर लगाया जा सकता था। कितने बेहतर अंदाज से सर ने बताया कि ख़ानदान का जो सरबराह होता है उसकी क्या क्या खवास होने चाहिए, क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, कि किस तरीके से एक अनहोनी में जहाँ पर हर जगह पर एक हाहाकार मची हुई है, हर कोई जो है तो नफसा नफसी की तरह भाग रहा है इधर उधर, तो उस दौरान में किस तरीके से एक बेहतर ढंग से उस वक्त को इस्तेमाल किया, पूरे ख़ानदान को यकजा किया। एक चीज़, एक नुक्ता सर ने बताया कि जहाँ से इस कहानी की इब्तिदा हुई है वो गोरखपुरी वाला मामला, कि बच्चे ने उसको गलत प्रनंस किया, गलत तरीके से तलफ़ किया, तो वहाँ से दादाजी ने ये नोटिस किया कि इन बच्चों को जो तो उनकी ज़बान सुधारने पर मेहनत करनी चाहिए। मतलब वो ख़ानदान का सरबराह ये जान गया कि मेरे ख़ानदान को, मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत, और उसके पेश नज़र उन्होंने एक खेल में बहुत ही बेहतर ढंग से जो है तो लोगों की, बच्चों की ज़बान की इस्लाह की। ये एक ऐसी तरकीब सर ने बताई है कि सिर्फ ये एक गाइडलाइन है इस तरीके की, और बहुत सारी चीज़ें थी जो की जा सकती हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि ये कहानी लॉकडाउन की थी, लॉकडाउन के बाद भी हम एक, जैसे एक टीचिंग फैकल्टी में होता है कि हाउ टू यूटिलाइज द लीजर टाइम, बच्चों के इजाफी औकात का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्लस ये कि सर ने एक चीज़ और बताई है, वो उर्दू ज़बान के हरूफ को जोड़ करके अल्फाज बनाए गए, सह हरफी, चार हरफी, पाँच हरफी, इस तरीके से किसी भी ज़बान में वो चीज़ बनाई जा सकती है। ये यूनिवर्सल एक थीम जो तो उसके अंदर इस कहानी में पाई जाती है। कुली तौर पर, मजमूई तौर पर, आगाज़ से लेकर अख्तिताम तक कहानी नहायत ही सलीस, नहायत ही रवा, बेहतरीन और आसान जुमलों से मुज़य्यन है, जो हर कारी को समझ में आती है। प्लस ये कि उसमें एक चीज़, ये खासियत है कि कारी कहीं भी बोर नहीं होता है। ये इतना तसलसल से उसका बयानिया है कि हर चीज़ जो तो दिलचस्पी पैदा करती है कि अब आगे क्या होना चाहिए। जैसे अब तीन हरफी बना लिए तो आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ताश में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। एक और अंसर उसमें पाया जाता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर खेल में या कहीं पर कोई एक खिलाड़ी जो है तो वो पस्त हो जाता है, तो उसकी हौसला अफजाई किस तरीके से की जाए। तो अदनान की हौसला अफजाई करने का जो एक मेथडोलॉजी बताई है उसमें सर ने, कि वो किस तरीके से उसको इशारे किनारे में बताया करते थे कि दूसरों को समझ में नहीं आता था, अलबत्त वो एक नतीजे पर पहुँचता था और एक लफ्ज़ बना लिया करता था। तो ये कि किस तरीके से किसी को इनक्रेज किया जाए, हौसला अफजाई की जाए, खुद एतमादी पैदा किया जाए, ये सारी चीज़ें इस कहानी के अंदर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि एक दर्स नहीं, बेशुमार दर्स हैं इसके अंदर। एक मजमूई तौर पर बहुत ही अच्छी और उम्दा कहानी लिखने पर उस्ताद मोहतरम को ढेरों मुबारक। सबसे पहले बरकी सर को मुबारकबाद कि मेरे लिए अदब अतफाल का जो अनलॉक हुआ है उनकी कहानी से बहुत, मतलब जो लॉकडाउन का जो वक्त गुज़रा, हम फिज़िकली मतलब एक दूसरे से करीब नहीं थे, मोबाइल के ज़रिए थे, व्हाट्सएप के ज़रिए थे, लेकिन आज जब यहाँ पर जमा हुए हैं तो एक अच्छी कहानी सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे जहन में तो वो ताश, इनमी ताश की गड्डी, तालीमी ताश की, वो बार बार ऐसे सामने आ रही है कि हम भी उससे सीखा करते थे सर, और आपने उसको इस्तेमाल किया है, और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। नूरुद्दीन सर ने जो कहा कि इस कहानी को लॉकडाउन में शाया हो जाना था, लेकिन सर अगर वो शाया हो जाती तो ताश की गड्डी हम कहाँ से हासिल करते, अब तो वो नापैद है, है ही नहीं। हाँ, बना लेते थे, ये क्रिएटिविटी मतलब ये तकलीफ हो जाती हमारी, रिजवान रब्बानी उस जीवन में काम आते, किताबत क्लास में चला रहे हैं, बच्चों को तालीमी ताश बनवा सकते थे अगर ये कहानी सामने आती थी। मैं
उस रावी को ढूंढ रहा हूँ सर आपकी कहानी में, जो ये कहानी बयान कर रहा है उसका नाम ही नहीं है कहीं पर। मैं सोच रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ये तो जुर्म है सर, उस बच्चे पर जुर्म है जिसकी ज़बानी आप कहानी हम तक पहुँचा रहे हैं। उसका कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए था, भले उसको दाढ़ी पड़ जाती दादाजी की, लेकिन उसका नाम आना था हमारे सामने और उसका एक छोटा सा हिस्सा तो फितरी लगता है। उसकी बाजी मौजूद है वहाँ पर, उसके बड़े भाई मौजूद है, अदनान मौजूद है, मतलब तीन लोग हो गए, चौथा ये बेचारा जिसका सारी कहानी जो सुना रहा है उसका कोई जिक्र नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, कोई लफ्ज़ उसने बनाया हो उसको सराहा जाए, कुछ उसने गलत बना लिया हो उसको मतलब उसकी असलाह की गई हो। तो ऐसे मतलब जब हम किसी करेक्टर को इस्तेमाल, मैं तो आपसे मैंने सीखा, मुझे ख़राब लग रहा है कि हम एक बहाना होता हमारे हमारे पास रावी का नाम बताने का, रावी की किरदार साजी का, तो जब हम उसको अपनी कहानी का हिस्सा बनाए तो ज़रूरी है कि हम उसको भी पेश कर दें उसका नाम वगैरह। कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। इकबाल बल्की साहब ने यहाँ पर जो कहानी पेश की उस पर इतना सब कुछ कह चुके हैं, ऐसा लगता है कि तमाम दोस्तों की बातों को दोहराना एक तरह से वक्त का ज़िया हो। लेकिन मुझे कहानी में तो ख़ास तौर से जो दिलचस्पी का जो पहलू नजर आया है कि आज जो मोबाइल और वीडियो गेम्स में बच्चे बहुत ही ज़्यादा मगन है, अब ऐसे में ये कहानी चाहे जिस मीडियम के जरिए भी बच्चों तक पहुंचती है, इंशाल्लाह आगे पहुंचेगी भी किताब की शक्ल में या अखबार तो बच्चे ये देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को वक्ती तौर पर साइड में रख कर मोबाइल पर जो मोबाइल गेम है और जो भी कंप्यूटर की जो दीगर मसरूफियात है, हम किस तरह से तालीमी टास्क को अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। क्योंकि ये हम वो नस्ल है और हमारे बाद की जो जनरेशन रही है ऐसी कहानियों से हम लोग हमेशा मुस्तफ़ीद हुए हैं कि जहाँ पे इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन आज की नस्ल को जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कम लोग तालीमी टास्क के बारे में जानते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह एक लाजवाब कहानी पेश करने के लिए उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बल्की साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे यही उम्मीद है कि इसी तरीके से हम आपकी कहानियों से, हम आज भी बच्चे हैं लेकिन ज़रूर हम आपकी ऐसी कहानियों से सीखते रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह सीखते हैं। एक चीज़ और समझ में आ रही है सर कि संदूक में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बल्कि सही ऐसा मत कि दादाजी का संदूक किताब ही बन जाए। अभी दादाजी ने अच्छा अभी और भी सारी चीज़ें निकलती रहे संदूक से। यहाँ पर नूरुद्दीन नूर सर, ताहिर रंजन सिद्दीकी साहब, अब्दुल मजीद मास्टर साहब, इमरान जमील सर ने अपने तबसरों से नवाजा, और कोई साहिबान अगर तबसरा पेश करना चाहें तो उन्हें इजाज़त है। मैं तो हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि डॉक्टर इकबाल बल्की सर की कहानियों में जो सबक आमोजियत होती है उससे यकीनन हर कारी हर सामे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकता है और होता है, हम लोग खुद महसूस करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे कलमकार की हैसियत से यहाँ पर मौजूद है मोहतरम इमरान जमील सर। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपसे मौजू करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर यहाँ पर पेश करें।